हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करूंगी। तो ये एक रागा का फेशियल किट है, आप देख सकते हैं ये इस तरीके की इसकी पैकेजिंग। रिव्यू एंड डेमो दोनों ही देने वाली हूं आपके साथ। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं, देखते हैं कि ये फेशियल किट कैसी है। तो ये मैंने 222 की दो किट ये मैंने लिए हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से हैं। अगर आप चाहें तो सिंगल भी ले सकते हैं, मैंने ये दो लिए हैं। आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप चेक कर लीजिए। तो बैक साइड में आपको सारा मेंशन है, आप अपने हिसाब से देख के पढ़ के और इसको यूज कर सकते हैं। रागा का ये प्रोफेशनल फेशियल किट है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से है ये। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। ये इस तरीके से आपको सेसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 6 सेसे मिलेंगे, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग। तो फेस को सबसे पहले क्लीन करेंगे। तो ये क्लींजिंग आपको फेस वॉश की तरह मिलेगा और इसको फेस वॉश की तरह यूज करके आप क्लीन कर सकते हैं फेस को। आप चाहें तो प्लेन वाटर्स भी यूज कर सकते हैं। तो फेस हमारा क्लीन हो चुका है, अब सेकंड स्टेप करेंगे ये हम स्क्रब। तो आप देख सकते हैं ये जेल के जैसा है स्क्रब और खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं पूरे फेस पे। पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद इसको सिर्फ 2 मिनट स्क्रब करेंगे और आपको बहुत हल्के हाथों से स्क्रब करना है और 2 मिनट के लिए ही करना है, उसके बाद हम इसको क्लीन कर देंगे। तो चलिए इसको 2 मिनट के लिए स्क्रब करते हैं। बहुत हल्के हाथों से ही स्क्रब करना है और नोज एरिया हमको कवर करनी है, क्योंकि आपके अगर ब्लैक हेड्स अगर हैं तो आप नोज एरिया को थोड़ा टाइम दीजिए। यहाँ पर यहाँ मसाज करिए, इस तरीके से स्क्रब करिए और इस तरीके से अगर ब्लैक हेड आपके हैं, वाइट हेड तो रिमूव हो जाएंगे इस तरीके से। आंखों से दूर हमें स्क्रब करना है। इसको आप क्लीन कर लीजिए, प्लेन वाटर भी ले सकते हैं, आप प्लेन वाटर से क्लीन कर सकते हैं। फेस को अच्छे से क्लीन करना है, एक भी स्क्रब फेस पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी हमें मसाज भी करनी है। तो अच्छे से क्लीन करेंगे फेस को। तो तीसरे नंबर पे ये टोनर है, तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं टोनर को। तो ये टोनर जैसे टोनर होता है सेम वैसे ही है, तो टोनर है तो वाटर की तरह ही होगा। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है और आप देख सकते हैं पहले से हमारी स्किन को इसने काफ़ी हद तक क्लीन किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और पे ये मसाज जेल है, तो चलिए मसाज करते हैं। वाह, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एलोवेरा जेल की तरह लग रहा है, मगर ये एलोवेरा जेल नहीं है, ये मसाज जेल है। तो चलिए इससे मसाज करते हैं। तो पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए, फिर 10 मिनट तक मसाज करेंगे और अच्छे से मसाज करनी है। अगर आप चाहें तो किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, अच्छे से मसाज करवाइए। तो चलिए हम 10 मिनट तक मसाज करते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं मसाज करते हुए, तो आप देख सकते हैं फेस पे कितना अच्छा ग्लो आया है
और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, तो आप देख सकते हैं। तो मसाज में आपको थोड़ा टाइम देना है, 10 से 15 मिनट मसाज करिए अच्छे से, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी साइन आ रही है फेस पे। तो मसाज हमारी हो चुकी है, चलिए अगले स्टेप 5 नंबर ये मास्क है, और चलिए इसको अप्लाई करते हैं फेस पे। तो आप देख सकते हैं ये लाइट ग्रीन कलर का है, काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है। तो आप चाहें तो इसको ब्रश से भी लगा सकते हैं, और मैं यहाँ पे फिंगर का यूज करूँगी, पूरे फेस पे इसको लगाना है अच्छे से। तो मास्क मैंने अप्लाई कर लिया है पूरे फेस पे, और नेक को भी कवर कर लीजिए आप। तो मास्क लग चुका है, अब इसको हम 10 मिनट के लिए फेस पे छोड़ेंगे और फिर इसको क्लीन करेंगे। और मास्क है तो पूरी तरीके से ये ड्राई नहीं होगा, तो 10 मिनट के बाद हम इसको क्लीन कर लेंगे। तो मास्क को लगाए हमें 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम क्लीन करेंगे। तो फेस हमारा क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अगला स्टेप ये सनस्क्रीन है, और सनस्क्रीन हमें ज़रूर लगानी है, क्योंकि आप दिन में अगर फेशियल कर रहे हैं तब भी आप लगाना है, अगर रात में अगर फेशियल कर रहे हैं तब भी आपको ये सनस्क्रीन लगाना ही है। तो ये अब हम अप्लाई करेंगे सनस्क्रीन। तो आप देख सकते हैं सनस्क्रीन ये इस तरीके से है, अब हम फेस पे अप्लाई करेंगे। पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे सनस्क्रीन को। थोड़ी देर इसको मसाज करिए और अच्छे से इसको अप्लाई करिए। थोड़ा टाइम लेगा मगर अच्छे से इसको मसाज करते हुए इसको अप्लाई करिए। सनस्क्रीन हमने अप्लाई कर लिया है, और काफ़ी अच्छा ग्लो आ रहा है, आप देख सकते हैं। काफ़ी हद तक हमारे फेस को इसने क्लीन किया है, और काफ़ी अच्छा ग्लो अभी आ रहा है। तो 3 दिन बाद ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाली है। ये फेशियल किट मुझे काफ़ी पसंद आई है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ग्लो आ रहा है फेस पे, और काफ़ी हद तक इसने मेरे फेस को क्लीन किया है, आप देख सकते हैं। तो आप कोई भी फेशियल करते हैं तो फेशियल करने के बाद आप फेस वॉश मत यूज करिए, और उसके बाद आप धूप में मत जाइए, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है फेशियल। और सबसे अच्छी बात है कि आप इतने कम प्राइस में एक फेशियल, काफ़ी अच्छा फेशियल मतलब आप कर सकते हैं, घर में ही कर सकते हैं। आप चाहे अगर नहीं करना आता है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं और घर में मतलब फेशियल कर सकते हैं, पार्लर जैसा ग्लो आपको मिल जाएगा। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, आप अगर कोई पार्टी अटेंड करना चाहते हैं, तो आप ये फेशियल किट ट्राई करिए, काफ़ी अच्छा मतलब इसने रिजल्ट मुझे दिया है। तो ये मैंने ऑनलाइन परचेज की है फेशियल किट, अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।